नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय संकट मोचन हनुमान जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग महाबली हनुमान जी की कृपा दृष्टि से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। दोस्तों, हम आप सभी प्यारे मित्रों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग हो जाइए बहुत ही बहुत सावधान, क्योंकि दोस्तों कल सुबह 9:40 के उपरांत दोस्तों आप सभी के जीवन काल में तूफान की तरह संकट आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, समय रहते आप इस संकट से खुद को बचा लीजिए, नहीं तो दोस्तों यह समय आपके साथ अचानक से दो भयानक हादसे भी होने के संकेत आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पास अभी भी वक्त है, आपके पास अभी भी समय है। दोस्तों, आप लोग हो जाइए समय रहते सावधान, ताकि दोस्तों आपको कल सुबह पछताना ना पड़े। दोस्तों, कल आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और ना ही आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की मुसीबतें दस्तक दे सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये संकट ना आए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबतें ना आए, तो आज के इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप आने वाले इस संकट से, इस मुसीबत से बच पाएंगे और आप लोग तभी यह सावधानी भी बरत पाएंगे कि आप लोगों को आखिर यास में कौन से सावधानियां रखने की आवश्यकता होंगी, ताकि दोस्तों आपको कल सुबह पछताना ना पड़े और ना ही आपके साथ कल किसी प्रकार की घटना भी घट सके। तो आज की यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को जो भी जातक मिस करेंगे या फिर इसे अगर आप मजाक में समझने की भूल या फिर गलती करेंगे, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोस्तों आप लोग कल 101% पछताओगे और आप कल इतना रोओगे कि दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भूल से मिस ना करें। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगे कि दोस्तों आखिर आप लोगों को कल सुबह 9:40 के उपरांत से आपको आखिर कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होंगी, कौन सी लापरवाही करने से आप लोगों को बचना होगा, कौन से गलतियां करने से आप लोगों को बचना होगा, और साथ ही यह समय अवधि में आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशियाँ आपके जीवन में लाने वाली हैं, और यह समय अवधि में आपके ज़िंदगी में आपको किन किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति भी होने वाली हैं और किन किन क्षेत्रों से आप लोगों को क्या बड़े शुभ संदेश की प्राप्ति भी होने वाली हैं। दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले महाबली शंकर मोचन हनुमान जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, इस वीडियो को कभी कभी अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय महाबली संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें। आपके जीवन के तमाम तरह की संकटों से आप लोगों को जल्दी ही मुक्ति मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी में आपको सारी खुशियां मिलेंगी। दोस्तों, जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जय शंकर मोचन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों, अगर गुरु जी क्या कहते हैं, आइए आप जो ध्यान से इस ज्ञान को सुनिएगा। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि लोगों की बातें कभी भी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, लोग आपको अगर बुरा भला कह रहे हैं, आपके बारे में बुराई फैला रहे हैं, तो आप लोगों को उनकी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, लोग आपको जो भी कहें, दोस्तों आपको बस अपने मन को शांत रखना है और आप उनकी बातों को अपने दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोग आपको
नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो जो कर्म कर रहा है दोस्तों उस कर्म का फल उसे भगवान जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी वैसे ही करेंगे तो दोस्तों आप में और उसमें आके फर्क ही क्या रह जाएंगे। दोस्तों एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि दोस्तों लोग जब अमरूद खरीदते हैं समय पूछते हैं कि मीठे हैं या नहीं, लेकिन दोस्तों बाद में वह नमक लगाकर खाते हैं। इसलिए आपको यह सीख हमेशा रखने की आवश्यकता होंगी कि दोस्तों अगर लोग आपको कुछ भी कहें लेकिन आपको उनकी बातों पर लेकिन आपको उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेने हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए आपको जो परेशान कर रहे हैं आपके बारे में जो बुराई फैला रहे हैं दोस्तों वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखना कि दोस्तों उस कर्म का फल उसे भगवान जरूर देंगे। बस आप हमेशा इस बात का ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी कहें आपको ठेस ही पहुँचाए क्यों ना, लेकिन दोस्तों आपको उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है और ना ही आपको उनकी बात को दिल पर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम जीवन में कामयाब हों जीवन में आगे बढ़ें तो आप लोगों को लोगों की छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। जी दोस्तों तो इस ज्ञान को आप हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों अगर गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें, आपकी हर मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप लोगों को कल सुबह 9:40 के उपरांत से क्या क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबतें ना आए। दोस्तों हम आप सभी प्यारे मित्रों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोग कल सुबह 9:40 के उपरांत अगर आप कहीं पर भी घर से वाहन सफ़र कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी वाहन चला रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप आज वाहन से जा रहे हैं, अगर आप दोपहिया वाहन जा रहे हैं या फिर चारपहिए वाहन जा रहे हैं या फिर अब अन्य किसी भी प्रकार के वाहन से अगर आज आप सफ़र कर रहे हैं और ख़ासकर कल सुबह 9:40 के उपरांत से आप अगर यह समय कहीं पर भी जा रहे हैं तो ज़रा संभल कर यह समय आप लोगों को जाने की आवश्यकता होंगी। यह समय आप वाहन के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही कोई भी जल्दबाजी और कोई भी हड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना, वरना दोस्तों आपके साथ एक बड़े अनहोनी हादसे भी यह समय होने के संकेत आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं। और इनके साथ ही अगर आज आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या फिर आप अगर आज रोड पर पैदल चल रहे हैं तो आप लोगों को ज़रा संभल कर रहने की आवश्यकता होंगी। दोस्तों अगर आज आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप लोगों को आगे पीछे दाएं बाएं देखकर ही जाना होगा और क्रॉस करना होगा, और साथ ही आप लोगों को आज पैदल भी रोड पर बहुत ही खास सावधानी से चलना होगा, क्योंकि दोस्तों आज आपके ग्रह गोचर कुछ अशुभ संकेत दे रहे हैं या समय आपके साथ बड़ी अनहोनी होने के संकेत दे रहे हैं। इसलिए जो भी हो दोस्तों आप लोगों को आज रहना पड़ेगा बहुत ही सावधानी पूर्वक से, तभी दोस्तों आपके साथ कोई अनहोनी घटना या फिर कोई हादसे नहीं होंगे और तभी आपके ज़िंदगी में कोई संकट भी नहीं आएंगे। तो आप लोगों को इस बात का यश में बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकता होंगी। और इनके साथ दोस्तों आज आप लोगों को आग के मामले में भी बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होंगी। दोस्तों इस राशि के जो भी जातक आग के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर अगर आप अपने घर परिवार में आग जैसे कि गैस पर चूल्हा पर अगर खाना बनाते हैं तो आप लोगों को जरा संभल कर या समय ध्यान से आप लोगों को रहने की आवश्यकता होंगी। दोस्तों जो भी जातक आग के मामले में कार्य करते हैं दोस्तों बहुत ही संभल कर करने की आवश्यकता होंगी, क्योंकि दोस्तों यह समय किसी प्रकार की बड़ी घटना होने के संकेत आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं। इसलिए आग के मामले में भी आप लोगों को यह समय बहुत ही सावधानी से रहने की आवश्यकता होंगी, तभी दोस्तों आपकी ज़िंदगी में यह संकट आने से रुक सकता है। आज आप लोगों को बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकता होंगी, क्योंकि दोस्तों कल सुबह 9:40 के बाद का जो आपका समय होगा दोस्तों थोड़ा मुसीबत वाला समय साबित हो सकते हैं। इसलिए आज आप जितना ही संभल कर रहिएगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेंगे। और दोस्तों आज आपके सितारे भी बता रहे हैं कि दोस्तों आज आपके करियर और कारोबार के मामले में दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज आपको नौकरी में अपने सहकर्मियों
के साथ तालमेल बना रखना होगा, तभी आपका काम ब्याज बन सकते हैं। और दोस्तों, दिन के दूसरे भाग में किसी बात को लेकर सहकर्मियों से आपको तनाव भी मिल सकते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को आज थोड़ा संभल कर भी रहने की आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों, बिजनेस के मामले में आज का दिन आप सभी के लिए लाभप्रद दिन साबित होंगे। आज आप लोगों को मेहनत के अनुसार लाभ मिलने से आपका मानसिक संतुष्टि ऐसे में आपको मिलेंगी। और आज आपके लिए सलाह है कि दोस्तों, आज साझेदारी में काम करते हैं तो आज आप लोगों को साझेदारों से तालमेल बना रखना होगा, नहीं तो आपसे मतभेद भी आज हो सकते हैं। और अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आज लंबे समय के लिए निवेश करना आप लोगों के लिए फ़ायदे भी साबित हो सकते हैं, तो आज आप बेहतर निवेश किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर भी हो सकते हैं। और सरकारी कार्यों में आज आपको सफलता भी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आपके घर परिवार के मामले में आज आपके सितारे बता रहे हैं कि आज आपको परिवार में जीवन साथी से पूरा साथ भी मिलेंगे, लेकिन आज आपको क्रोध और वाणी पर संयम बनाए रखना होगा, नहीं तो दिन के दूसरे भाग में परिवार में किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ कहासुनी भी हो सकती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को ऐसे में थोड़ा संभल कर भी रहने की बहुत आवश्यकता होंगी। और आज माता की सेहत ठीक नहीं है तो इनका ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी भी आज बढ़ सकती है। और आज बच्चों की सेहत को लेकर भी आपको चिंता होना पड़ सकता है।